हाँ अभी अभी आ रही है आवाज़? जी 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 बिल्कुल आ रही है सर। ओके अभी ठीक से आ रही है। हाँ तो आई थिंक अभी थोड़ा क्लियर आना चाहिए। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे वो बराबर। मैं तीसरी काली से राग दरबारी बोल रहा था। जी तो उसमें ग ध नी को कोमल बराबर जी मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी यहीं से बिलावल बजाइए। तीसरी काली से बराबर। हाँ तीसरी काली से। और यहीं से कल्याण बजाइए। अभी देखिए सर मैं आपकी पकड़ गया बात। अभी देखिए पता क्या आपको शुद्ध स्वरों का ज्ञान है। शुद्ध हाँ स्वर आप बराबर फट देखो बिलावल बजाने की बात आई तो आपने फट से बजा दिया। से हो क्योंकि लेकिन जब वो मैंने हाँ कल्याण किया। बोला तब आप सोच रहे थे सा देन रे देन गा देन आप चेक करके सही बजा बात रहे है, थे है ना। सही सेम बात इधर है, सही बात सासावरी है, में सही भी यही चीज थी। अभी बात मेन है, जो सही। मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि आपको शुद्ध स्वरों का अच्छा नॉलेज हो गया। लेकिन अभी बात आती है जैसे तीव्र है जैसे किसी राग में तीव्र स्वर लगते हैं या फिर किसी भजन में भी तीव्र स्वर यूज होते हैं या फिर कोमल स्वर यूज होते हैं। अभी काम आपको उनके ऊपर करना है बराबर तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 थाट पकड़ेंगे। बराबर पहले पहली काली ही पकड़ेंगे ठीक है। कहीं जाने की बराबर। जरूरत नहीं है। पहले पहली काली से हम क्या करते हैं बिलावल बजाते हैं। यहां से बिलावल हो जा रहा है। बिलावल में सारे स्वर शुद्ध हैं। ओके ये तो आप बजा ही रहे हो ऑलरेडी। अभी इसके बाद आपको कल्याण पे जाना है। कल्याण में क्या है सिर्फ मा तीव्र यूज होगा बाकी आती हो रहा है बराबर सारे बराबर। स्वर शुद्ध हैं। जाने की शुद्ध मा की जगह तीव्र मा यूज करें। ओके ये बराबर हो गया दूसरा थाट आपका। पहले बिलावल है दूसरा कल्याण है। अभी तीसरा आपको बजाना है खमाज। खमाज में क्या बराबर है नी कोमल आ जाएगा और सारे स्वर शुद्ध रहेंगे। बराबर 3 थाट हो गए। पहला बिलावल दूसरा कल्याण तीसरा खमाज ठीक है जी। बराबर बिलावल में सारे स्वर शुद्ध हैं। कल्याण में खाली मा तीव्र है और खमाज में नी कोमल है। बराबर ओके अभी इसके बाद अपन जाएंगे चौथे थाट पे वो है काफी थाट काफी जिसमें बात गा और नी कोमल रहेगा ठीक है जी। को ये है आपका काफी बराबर। थाट। अभी इसके बाद अगला थाट जो अपन पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे असावरी थाट ठीक है। असावरी में यानी कि गा कोमल है धा कोमल है और नी कोमल है। नी कोमल बराबर हो गया जी। अभी अपने 5 थाट हो गए थे। पहला बिलावल दूसरा कल्याण तीसरा खमाज चौथा काफी पांचवा असवरी ठीक है जी। 5 हो गए। बराबर अभी छठा अपन पकड़ेंगे भैरवी थाट। भैरवी में क्या है 4 स्वर कोमल है रे कोमल गा कोमल धा कोमल और नी कोमल ठीक है जी। बराबर ये हो गया आपका भैरवी थाट। 4 स्वर कोमल रे गा धानी। अभी भैरवी के बाद अपन जाएंगे भैरव थाट के ऊपर। तो भैरव में 2 स्वर कोमल है एक रे कोमल और एक धा कोमल बाकी सारे स्वर शुद्ध। भैरव हो गया। अभी हो गए आपके 7 थाट। इसके बाद बराबर 8वां अपन बजाएंगे मारवा थाट। मारवा मारवा में 2 स्वर यूज होते हैं एक तो कोमल रे और एक मा तीव्र बाकी सारे स्वर शुद्ध है। ठीक है जी फिर से बता रहा हूँ रे और मा तीव्र बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। ठीक है ये हो गया बराबर मारवा। मारवा के बाद अभी बची है 2 थाट। मारवा के बाद अपन जाएंगे पूर्वी थाट। पूर्वी में क्या है रे कोमल भी यूज होगा मा तीव्र भी यूज होगा लेकिन धा भी कोमल यूज होगा ठीक है बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। फिर से देख लीजिए। अभी बचा लास्ट में एक ही थाट जिसे अपन तोड़ी थाट बोलते हैं। थोड़ी इसमें रे भी कोमल आएगा गा भी कोमल आएगा मा भी तीव्र आएगा और आपका धा भी कोमल आएगा ठीक है बराबर जी। बराबर अभी ये 10 के 10 थाट में आपको इसका नोट्स भेज दूंगा
क्लास खत्म होने के बाद, अभी इस पे करना क्या है? जैसे आप बिलावल बजा रहे हो, बिलावल में अच्छा प्रैक्टिस हो गया आपका, अभी आपको मैं 7 अलंकार भी भेजूंगा, ये 10 थाट के अंदर आपको 7-7 अलंकार बजाने हैं। बराबर। पहले बिलावल में 7 अलंकार बजाएंगे, फिर कल्याण में बजाएंगे, फिर खमाज में बजाएंगे, जैसे जैसे मैंने जिस सीक्वेंस में बजा के देखा उसी सीक्वेंस में 10 7-7 अलंकार है, 10 मतलब कि थाट है, तो टोटल आप मान के चलिए 70 अलंकार हो गए। बराबर ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में ये थाट हमें बैक टू बैक बजाना ना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बजाऊं तो पहले मैं बिलावल से शुरू करूंगा, फिर कल्याण खमाज से बैक टू बैक चलूंगा, समझ रहे हैं? ऐसे 10 के 10 बैक टू बैक बराबर, ये दो चीज आपको मास्टर करनी है। बराबर। पहले तो पहली काली स्केल ही अपना मास्टर होना चाहिए, मतलब कि 10 के 10। फिर आप जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप दूसरी काली सफेद पे जाएंगे, दूसरी काली पे जाएंगे या तीसरी सफेद पे जाएंगे, मतलब कि लगभग अगर 12 स्केल से आपका ये 10 थाट बच जाते हैं तो सब कुछ आपके लिए बजाना ही हो जाएगा। बराबर ठीक है। ये आपका बेसिक, मतलब कि थोड़ा और अपने आप को एडवांस करना है तो आप ये चीज करनी होगी आपको। बराबर है ठीक है जी। और इसके अलावा ये तो एक एक्सरसाइज हो गया कि पहले तो सिंपली 7 अलंकार में आपको 7 अलंकार भी भेजूंगा, और ये जो पीडीएफ क्या बोलते हैं थाट है इनका भी मैं आपको भेजूंगा। बराबर ये पहले तो आप इसमें 7-7 अलंकार हर एक बजाओगे, देन 10 के 10 थाट बैक टू बैक बजाना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने पूछ लिया कि मारवा में कौन से स्वर, तो आपको पता होना चाहिए, सोचना नहीं, ऐसा होना चाहिए कि रेंडमली आपको कोई भी मान के चलो मैं बोल दूं, जैसे आसावरी बोल दिया मैंने या फिर भैरवी बोल दिया, आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन से स्वर लगते हैं। नहीं सही है, बराबर ठीक है। ये दो चीज हो गई। देन उसके बाद आप क्या करिए, कोई भी एक भजन पकड़ लीजिए, सिंपल सा भजन पकड़ लीजिए, जो भी आप कौन सा भजन गाते हो ज्यादातर बजाते हो वहां पे? एक्चुअली इसमें ऐसा होता है, हमारा हर संडे को जो होता है ना, 3 अलग अलग धुन, एक प्रार्थना होती है और एक कीर्तन होता है। Okay. मैं अभी मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं रट्टा मार लेता हूँ, मतलब सुन okay. सुन लेता हूँ, मुझे सुर की समझ में आ जाती है कि ये कौन से है, तो मैं अभी क्योंकि सारे को पता नहीं है तो मैं वो अपने कीबोर्ड में ट्रांसपोज कर लेता हूँ और काली सब कुछ बजा लेता हूँ, वो पीछे से कोड देना है या बेसिकली जो बेसिक है वो सब कर लेता हूँ, लेकिन मुझे उधर ऐसी पहुंचना है कि आपने जैसे बताया कि सारे थाट की सारे स्वर से नॉलेज हो, ट्रांसपोज जितना हो सके उतना कम यूज करना कम, है। तो वो तो मैं कि ट्रांसपोज कम यूज करना, नहीं नहीं वो मैं अवॉइड ही करता हूँ जब तक हो सके, कि अगर शुद्ध स्वर में कोई कीर्तन है ना तो मैं फिर ट्रांसपोज यूज नहीं करता, लेकिन अभी उसमें उस कोमल में आ जाता है तो थोड़ा करना पड़ता है अभी भी, क्योंकि वो लाइव में फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे बताता हूँ, एक शॉर्टकट बता, देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या है ना, ज्यादातर लोग ना काले स्वरों से ही गाते हैं। हाँ राइट, बराबर। सफेद स्वरों से वो गाएगा जो सीखा होगा, जिसको स्केल्स की सेंस है। बराबर, राइट। नॉर्मली जो सीखा नहीं होता, थोड़ा बहुत जानकार होता, वो बेसिकली इन काले स्वरों से गाना प्रेफर करेगा, क्योंकि बजाना आसान है यहाँ से। हाँ राइट सही है। तो मतलब कि अगर हर एक कैटेगरी के आदमी के साथ बजाना तो 12 स्केल जरूरी है, ठीक है। अगर आपको एक लिमिटेड चाहिए कि चलो ज्यादा स्केल नहीं प्रैक्टिस करना, तो एटलीस्ट 5 काले स्केल तो आपके मास्टर होने चाहिए। बराबर राइट ठीक है। बाकी तो वो ट्रांसपोज तो है ही है अपना, वो तो अगर वो तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा गा रहा है तो वो कहाँ से गा रहा है, कौन से स्केल से गा रहा है। यस यस, आप ट्रांसपोज भी तभी कर पाओगे, मान चलो मैं जी शार्प से गा रहा हूँ, आपने मेरा स्केल पकड़ लिया, अगर मेरा सही स्केल ही नहीं पकड़ा कि मैं जी शार्प से गा रहा हूँ, तो आप ट्रांसपोज भी क्या करोगे। हाँ नहीं, वो अभी तक एटलीस्ट इतने बहुत साल से नहीं, 1-2 साल से मैं कर रहा, लेकिन वो समझ में आ गया, अभी कोई भी सुर से गा रहा है ना तो मैं वो करके समझ में आ जाता है कि अच्छा इधर से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हाँ, ये चीज आप करेंगे ना, मतलब 10 थाट करेंगे तो आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बराबर राइट राइट। फिर आप कोई भी इतना सिंपल सा भजन पकड़िए, चलिए अब मैं आपको सिंपल सा भजन बता देता हूँ। जैसे आप पकड़ लीजिए यही धुन पकड़ लीजिए, अच्युतम केशवम, सुना आपने ये भजन? हाँ सुना है सुना है। ये भजन को अपन को अलग अलग स्केल से बजाना। बराबर राइट ठीक है। मतलब कि अगर आप ऐसी आदत डालोगे ना, ऐसे आपने 10-15 भजन भी बजा लिए, पहली काली दूसरी काली तीसरी जहां से भी बजा ली, तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आपके लिए कहीं भी कोई मतलब कि ट्रांसपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बराबर राइट।
ऑटोमेटिकली आपका माइंड सेटअप वैसा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे अगर मैं यहाँ से बजा रहा हूँ तो ये मेरे को पता है कि ये सा है, रे गा मा पा, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हाथ बैठ जाएगा, उधर पहुंचना है। एग्जैक्टली आपने पकड़ा, इधर पहुंचना है मेरे को। जी 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 तो मेन ये चीज सर आपको आएगी बजाने से, थाट बजाने से और अलग अलग स्केल बजाने से। जैसे अभी आपने बिलावल प्रैक्टिस किया ना अलग अलग स्केल से, आप बजा रहे थे बिलावल, जैसे आपने यहाँ से अब शुरू कर रहे थे जब पहली सफे है ना, ऐसे आपको 10 के 10 थाट आने चाहिए। हाँ 10 के 10 आने चाहिए, अभी सिर्फ बिलावल ही आते हैं, बाकी सारे बाकी सारे नहीं आते। जब आपको माइंड सेटअप वैसा बैठ जाए ना कि मेरे को कल्याण बजाना है तो पता है माँ तीव्र है, तो बस वैसा ही पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि हारमोनियम पे माँ तीव्र ना। अभी एक मैंने एक पलटा पकड़ा है कि वो मैं अभी सारे स्केल से शुरू ट्राई कर रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, जितने आप पलटे करोगे ना उसी से ही आपका हाथ भी खुलेगा, उसी से आपको वो स्केल भी कंफर्म होगा। एग्जैक्टली ये वाला ऐसा कुछ है। तो इसमें इसमें कोमल और शुद्ध का ये कहीं से मिला था पता नहीं, तो कोमल और शुद्ध दोनों का इसमें हाथ थोड़ा साफ हो जाता है। जी, अभी मैं सारे स्केल से ट्राई कर रहा हूँ, बट आपने जैसे बताया मुझे ऐसे आप स्ट्रक्चर्ड जो बोलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप ऐसा गाइडेंस मिले, दैट्स व्हाट आई एम, ये मुझे। और अभी ना अपना एक चीज और आप ऐड ऑन कर सकते हो एडवांस के, अपने आप को एडवांस करने के लिए। देखो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी भजन है कोई भी गाना है वो सीक्वेंस में नहीं होता, मतलब कि सा के बाद रे नहीं आएगा, रे के बाद गा नहीं आएगा, गा के बाद मा नहीं आएगा, पा नहीं आएगा, रेंडम नोट्स होते हैं, यानी कि सा के बाद पता नहीं गाना डायरेक्टली धा पे चला जाए, चला जाए, रेंडम नोट्स होते हैं। तो आप बेसिकली प्रैक्टिस करो रेंडम अलंकार, जैसे कि एक अलंकार मैं आपको कुछ अलंकार बताता हूँ, एक अलंकार है सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, इसमें एक एक नोट छोड़ रहा हूँ मैं, सागर रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा, तो ये हो गया। इसमें क्या आपका रैंडम जो एकदम से जंप करते हैं ना वो चीज क्लियर आपको समझ आएगी। फिर इसके बाद आप कर दीजिए चार स्वर, मतलब कि अभी दो ही स्वर बजा रहे सा गा रे मा, अभी इसी का चार, मैं सारे अलंकार भेज दूंगा आपको, अभी इसको चार करेंगे तो आ जाएगा सागर रे मा रे मा गा पा गा पा मा धा मा धा पानी पानी धा सा सा धा नी पानी पा धा मा धा मा पा गा मा रे मा रे गा सा, चार हो गए। फिर छह स्वर कर दो, फिर आठ कर दो, फिर 10 कर दो, 12, मतलब कि इतना कॉम्बिनेशन बना देने की। अभी देखो इसमें 8 करेंगे तो आ जाएगा सागर रे मा गा पा मा धा, 8 हो गए सर। रे मा गा पा मा धा पानी गा पा मा धा पानी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा नी पा धा मा पा गा मा रे, ठीक है। ये तो हो गया एक स्वर वाला, मतलब कि एक ही स्वर का गैप है। फिर दो पे जाएंगे, यानी कि सा से मा सा मा रे पा गा धा मा नी पा सा, अभी दो दो नोट छूट रहे हैं सा धा नी पा धा मा पा गा मा। फिर तीन हो जाएंगे, मतलब कि सा के बाद डायरेक्टली अपन पा पे जा रहे हैं, फिर चार, फिर पांच, फिर छह। ऐसे जब आप जंपल अलंकार बजाएंगे ना अलग अलग थाट में, मतलब कि कोई ऐसा चीज बचेगी नहीं कि जो आप बजाना चाहे बजे ना, बट इट विल टेक टाइम। आप रूटीन में ना ऐसा करें कि दो दो चार चार अलंकार ऐसे प्रैक्टिस करें बराबर शफल वाले, यानी कि पहले एक से शुरू कर लीजिए एक एक स्वर छोड़ के, जब एक वाले सारे कॉम्बिनेशन हो जाए देन गो फॉर टू, मतलब कि अभी दो स्वर बीच में स्किप कर रहे हैं, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, ये चीज है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो आपने बताया कि भाई दो से तीन में और उसमें जाओ, तो उसमें पहले ये खाली एक पकड़ के रखना वो सही है या फिर शुरू से बिलावल, पहले बिलावल पकड़िए शुद्ध स्वर, पहले बिलावल, फिर उसके बाद आप कल्याण पे जाइए। हाँ बराबर, पहले शुद्ध स्वर सीक्वेंस बताया ना उसी सीक्वेंस में चलिएगा बराबर। हाँ वही सीक्वेंस ही मैं, तो पहले पहले शुद्ध स्वर और फिर सारे सारे स्केल से, राइट? हाँ सारे स्केल से नहीं, एटलीस्ट सारे स्केल अपने आप हो जाएंगे जब आप बजाओगे ना अलग अलग थाट बजाओगे। हाँ। तो उसमें सारे ही स्वर आ जाएंगे लगभग 12 के 12 समझा समझा, पलटे में स्केल का क्या बोला वो सारे स्वर कवर हो रहे हैं तो, राइट? हाँ उस... पलटा भी वैसा बजा सकते, लेकिन पलटे में ऐसा क्या है ना उसमें आपको शफल नहीं मिलेंगे, रैंडम नोट्स नहीं मिलेंगे। जैसे मेरे को सा से डायरेक्टली धा, गाने में क्या डायरेक्टली सा से धा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपन है
गुलाबी आके, तो ये डायरेक्टली सा से धा पे जा रहा है। ऐसे टाइप के कुछ भजन भी होंगे, कुछ गाने भी होंगे, कुछ गाने डायरेक्टली सा से नी पे जाते हैं, तो वो चीज आप डायरेक्टली तभी पकड़ पाएंगे जब ये अलंकार आपने करे होंगे। बराबर है ना, ये चीज है, ये चीज के ऊपर आप काम करिए। ठीक है, फिर बाद में एक भजन पकड़िए, उसको अलग अलग स्केल से, यानी कि यहाँ से भी यहाँ से कोशिश करिए। बराबर, ठीक है, तो ऐसे आप एडवांस हो सकते हैं अपनी मंजिल में। तो अभी एक और क्वेश्चन, जैसे ये मैं कोई मोस्टली मेरा ऐसा है कि ये कीर्तन के आसपास का पैटर्न रहता है, मतलब हिंदी सॉन्ग्स है लेकिन मैं बहुत कम बजाता हूँ, इसमें ज्यादा थोड़ा फोकस ज्यादा इसमें है, तो उसमें भी बीच में बहुत सारे जो बोलते हैं ना पीस, बीच में म्यूजिक पीस डालते हैं, उसमें मतलब साथ गाने के साथ साथ फॉलो करना वो फिर भी इजी है कि आपको एक बार सिंपल बता दो। देखो पता है, अगर आप जाओगे पीसेस के ऊपर तो आप कंफ्यूज जाओगे कि मैं यहाँ पे ये बजा रहा हूँ, इस भजन में मैं कौन सा पीस लगाऊ। सबसे पहली चीज है कि ना आप ना ये थाट सीखिए, जब आपको थाट पता चल जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे मान चलो आपने रैंडमली अभी क्या कि आप कोई भी भजन सुनते हो तो आप उसका स्केल पकड़ लेते हो, लेकिन आप उसका भी राग नहीं पकड़ पा रहे हो, राग अभी भी नहीं पकड़ पा रहे। हाँ, राग नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि अभी आपको थाट नहीं तैयार है। जब आपको थाट तैयार हो जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो भजन है ये इस थाट के अंदर आ रहा है, तो फिर आपके ना माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मेरे को यही स्वर के अंदर पीस बजाना है। बराबर, राइट। ठीक है, तो फिर आपको अभी क्या कि आपको पिक्चर नहीं क्लियर है कि मान चलो मैंने भजन बजा तो लिया, स्केल तो पकड़ लिया इसका, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि ये थाट कौन सा है, ये राग कौन सा है। बराबर, उसमें फिर आप मतलब कि आपकी फाउंडेशन होगी, दिमाग फंस गया। जब थाट हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो भजन है ये कल्याण थाट के अंदर है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसी के अंदर आपको आप अलंकार भी बजा दोगे ना वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको उसका एग्जैक्ट राग पता है, एग्जैक्ट थाट पता है। That's right. ये चीज है। और एक चीज, आप पीस के लिए ना आपका रनिंग पूरे हार्मोनी में होना चाहिए, यानी कि मतलब कि आप यहां से बजा रहे हो ना, जैसे ऊपर तक है ना, ऊपर से पूरा रनिंग होना चाहिए हर एक थाट में, फिर आप पीस मतलब कि आप जो बजाओगे ना वो भी सही बजेगा। पीस में कुछ नहीं होता, पीस में हम राग का मिलता जुलता एक म्यूजिक बजाते, उसमें आप आरो वरो भी बजाओगे ना, लेकिन रनिंग भी आएगा और टाइमिंग में आएगा, तो वो भी चीज आपको ऐसा लगेगा। प्लीज शुरुआत करो कि आरो अवरो बजाने की कोशिश करिए पहले। बराबर, राइट, ठीक है ना। मेन आप अगर आपको पकड़ में आएगा कि ये थाट है तो आप पहले आरो अवरो बजाएंगे, तो फिर आपका अपने आप दिमाग काम शुरू करेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे को ये तो बजाना आ गया, अभी इसके अंदर मैं कुछ और मतलब की स्वर ऐड करना चाहता हूँ, मैं कैसे ऐड करूँ, तो फिर आप अपने आप काम ट्रैक में आ जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा, पहले आपको थाट सीखने पड़ेंगे, फिर जाके आप पीस पे आप पहुंच पाएंगे। बराबर, ठीक है। अभी इसमें आपके इसमें आप तो बहुत लोग मतलब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो जो बोलते हैं स्कूल में जाते हैं तो कैसा कि एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम होती है। अब यहाँ पर एग्जाम तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुझे अपने आप को इवेल्युएट करना है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो उसके कुछ बेंचमार्क है कि कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। सर, बेंचमार्क उसके यही है कि आप जब थॉट पता करना शुरू लग जाए ना, मतलब कि आप तो पहली चीज तो आप मन चलो कोई आप गीत निकालते हो या भजन सुनते हो, आपका कैसा व्यू रहता है उसको देखने का, एक तो ये चीज मैटर करती है। आपको पहली चीज तो ये व्यू होना चाहिए कि जो भजन है वो मेजर स्केल का कि माइनर स्केल का। हाँ, राइट, आप ये चीज सोचते हो पहले। हाँ, यस, राइट, सोचते हो ना। जब आपको पता चल गया कि माइनर स्केल है, ठीक है, अभी माइनर स्केल में अभी 10 थाट है, 10 स्केल में 10 थाट में से कुछ ऐसे ही चंद 4-5 ही या 6 थाट ही होंगे जिसमें गा कॉमन लगता है। बराबर, राइट, तो आपको वहां से व्यू मिल गया कि यहाँ पे मेरे को शुद्ध वाला तो नहीं है, जा तो आसावरी होगा जा भैरवी होगा, है ना। बराबर, राइट। हाँ, अभी थाटों में भी कुछ थाट ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि अभी भैरव थाट है तो इसका साउंड ही बड़ा अजीब सा है, सॉरी थोड़ा गंभीर टाइप का रहा। राइट, राइट, ऐसा कोई भजन होगा तो आप फट से अगर आपने भैरव बजाया तो आप ऑटोमेटिक रिलेट कर जाओगे कि ये मेरा भैरव में कोई गीत है, है ना। बराबर, मेन चीज क्या है कि जब आपका ये पहचान हो जाएगी ना, जैसे आपको भी बिलावल की पहचान होगी, ऐसे ही अगर आपको थाट होगी मेन साउंड के ऊपर पहचान होगी, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। वही आपकी अचीवमेंट है, जब आप एक भजन का सही थाट पकड़ लेंगे ना, डेट इज योर बेंचमार्क,
वही आपका अचीवमेंट, फिर आपको अपने आप मंजिल मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा मेरे को आगे कैसे जाना है, उसको कैसे मूव ऑन करना है। और शुरू शुरू में मुझे ताल में भी गड़बड़ होती थी, तो अभी तो मैं वो पीछे कैरवा या दादरा बजा के वो 3 या 8 मतलब 6 या 8 बीट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो एटलीस्ट साथ में वो भी फिट वो सर पता है शुरुआत में क्यों दिक्कत आती, क्योंकि हमारा हाथ फंसता होता, हमें एक्चुअली में क्या है कि नोट्स नहीं पता होते। हाँ बराबर, मान के चलो आपको बजाना कोई भजन है वो भैरवी के अंदर है, आपने कभी जिंदगी में भैरवी बजाया नहीं, आपका हाथ ऑटोमेटिकली फंसे, सवाल ही नहीं पैदा था। आपको आगे चल के अभी यहाँ से बजा तो सारे गाग तब मां तक आ जाओगे, आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वहां पे कॉपीट हो जाएगा। मेन बस वही है ना कि बेसिक यही, अगर ये क्लियर हो गया ना अपने आप आपके रास्ते सारे साफ हो जाएंगे। बराबर, अभी आपको मेन जो अपना स्किल काम करना है, एक तो भजन को ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ट्रांसपोज नहीं करना है, अलग अलग स्केल से सेंस है ना जो आपकी वो बढ़ेगी, वो उसी चीज से बढ़ेगी। बराबर है, वही गोल मेरा वही है कि ट्रांसपोज ना करना पड़े, हाँ, तक कहीं से भी शुरू हो सके। बराबर, फिर आप कॉर्ड्स भी सीखिए, ठीक है, एक्चुअली लेफ्ट हैंड है ये तो ठीक है, अपना हारमोनियम का सेशन है, बट एक्चुअली वहां पर बजाना तो वो कीबोर्ड बजाता हूँ, हारमोनियम कभी कभी अगर कोई नहीं आया हारमोनियम में तो फिर हारमोनियम में बैठ सकते हैं, बट वो भी सीखना है कि लेफ्ट हैंड भी कैसे। सेम सर, सेम, उसमें कुछ नहीं है, जो चीज आप एफर्ट राइट हैंड के लिए कर रहे हो ना वही चीज आपका लेफ्ट हैंड से होगा। जो अलंकार आपने राइट हैंड से बजाए हैं वही चीज, क्योंकि देखो क्या हाथ चलेगा तभी बजाएंगे। हाँ राइट है, हाथ और अभी आप देखो गाना बजाने के लिए आप क्या पहले स्वर ज्ञान कर रहे हो, आपको सीख रहे हो बिलावल में कौन से स्वर है, तो वही चीज आपको लेफ्ट हैंड में भी सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, सोचना देखना ना पड़ेगा। बराबर है, बस यही चीज है, बस उसमें क्या है कि अगर आपके पास कीबोर्ड है तो दोनों हाथ चलाओ, जैसे आप अलंकार में तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी भा पा, दोनों चलाओ, सा रे रे गा गा मा मा पा, दोनों एक ही टाइम पे। अच्छा बराबर राइट, दोनों टाइम, यस दैट इज अ गुड आइडिया, ठीक है, यही तरीका है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। बराबर है, तो और जब आप अच्छा, स्केल बजाते हो जैसे बिलावल बजा रहे हो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे, फिर आगे दूसरे पे करें सा रे गा मा पा धा नी सा नी, तो यहाँ पे भी बराबर दोनों जैसे जैसे बैक टू बैक स्केल चेंज हो वैसे यहाँ पे लेफ्ट यूज करेंगे। बराबर है, ये चीज आपको करनी होगी। अभी इसके लिए टाइम आपको डिसाइड करना है कि मैं कैसे इसको आगे लेके जाऊँ, है ना, मैनेजमेंट आपको करनी होगी। हाँ राइट, वो टाइम ज्यादा फोकस करिए थॉट के ऊपर और स्केल्स के ऊपर, और कुछ ऐसे एडवांस अलंकार पकड़िए जिसमें मुश्किल हो बजाना, वो चीज ना बजाइए जो आप डेली बजाते हो। बराबर राइट, ठीक है, जैसे पहला अलंकार हो गया सारे गांव पर, वो नहीं बजाना, दूसरा नहीं बजाना, तीसरा मुश्किल अलंकार पकड़िए जिसमें आप फंसो, राइट, फंसना, वही आपकी अचीवमेंट होगी। बराबर राइट, ठीक है, तो मैं आपको कुछ अलंकार भी भेजूंगा, कुछ थोड़े मुश्किल वाले भेजूंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, कि मैं शफल वाले अलंकार भेजूंगा आपको, सिंपल नहीं भेजूंगा, इसमें अल्टरनेट नोट्स जैसे सागर रीमा है ना, तो फिर अपन यही चीज आप ताल के साथ बजाएं, जैसे अगर आप स्केल भी बजाते हो ना ताल कैरवा लगा लो, क्योंकि स्केल में बजा रहे तो 8 ही स्वर आ रहे, सा रे गा मा पा, बिल्कुल 8 स्वर, तो कैरवा में बड़े आराम से आपके सारे के सारे स्केल बज जाएंगे, सारे आ जाएंगे। बराबर है, ठीक है, और इसको थोड़ा और एडवांस लेके जाना है तो जैसे आपके जो अलंकार आपको आते, जैसे आपने पहला बिलावल थर्ड पकड़ा, 10 अलंकार पकड़ लीजिए पहले, वो 10 अलंकार बैक टू बैक बजे, दस इसने बजाए, फिर आप कल्याण पकड़ लिए, दस इसमें बजाइए, वही अलंकार, ऐसे चले आप ताल के साथ भी, साथ में ताल लगाओ, ताल भी तैयार होगी, साथ में ये भी तैयार होगी। बराबर, ये आपके तरीका फॉलो कर। बराबर, सो अभी आपके हिसाब से लेट्स से ये किसी ने जो भी है थोड़ा मेहनत करके ये सारे के सारे स्केल में सारे के सारे थाट सीख लिए, फिर आप क्या सिखाते हैं उसके बाद? सर इसमें क्या है ना, पहली चीज क्या है कि ये चीज करते करते ही मान चलो इसमें 6-7 महीने लग जाते हैं। बराबर, इट्स नॉट वन डे गेम, है ना, पहली चीज तो यही सीखने में मान चलो कम से कम 6-7 महीने लगेंगे, अगर वही 1.5-2 घंटा डेली प्रैक्टिस कर रहा है तो इसमें 1.5 साल लग जाते हैं इतनी चीज करते करते, ठीक है, फिर गाने आ जाते हैं, गानों के साथ कॉर्ड्स आ जाते हैं, फिर गानों के म्यूजिक पार्ट हो जाते हैं, है ना, कुछ गाने जैसे ओरिजिनल भजन हो गए, ओरिजिनल गाने हो गए, उनका ओरिजिनल पीस निकालते हैं, लगभग क्या है कि फिर मैं कुछ मेन राग सिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप राग सीख गए ना तो जैसे मान चलो कोई गाना या कोई भजन
भैरवी में है, असावरी में है, ठीक है, तो वो ही भजन का पीस अपन दूसरे गाने में भी लगा सकते हैं। हाँ राइट, ठीक है, तो ये चीजें फिर इजी हो जाती हैं इंसान के लिए, क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाता है तो उसको एडजस्ट करना इजी हो जाता है। बराबर, बस फिर कॉर्ड सेंसर और इसके अलावा है नहीं ज्यादातर, इसी में सारा कुछ निपट जाता है। राइट, और अभी जैसे आज का अपना सेशन हुआ, ये मैंने कुछ नोट्स लिए हैं कि क्या क्या करना है अभी पूरे वीक, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब तक, लेकिन आप अपने हम ये यूजुअली आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे करते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी नोट्स, देखिए पता क्या है, आप बिगनर नहीं हो अभी, ठीक है, अगर कोई बिगनर होगा तो उसको मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, ठीक है, बराबर बराबर, आपको मैं अभी यही रिकमेंड करूंगा, आप जाइए पहले तो थाट याद करिए, बराबर है, 10 थाट बजाने आने चाहिए आपको, 10 थाट के एक एक स्वर का पता होना चाहिए, बराबर है, ठीक है, फिर उसके अंदर 5, 5, 6, 6, 7, 7 अलंकार बजाइए, बराबर है, ठीक है, फिर कोई भजन पकड़िए, जैसे कल्याण में पकड़ लिया या जिलावल में पकड़ लिया, एक थाट के अंदर कम से कम 10-12 भजन आने चाहिए आपको, बराबर है, फिर दूसरा कल्याण पकड़ो उसमें 10-12 भजन आप बजाए हो, है ना, भैरवी पकड़ो उसमें 10-12 भजन आते हो, ऐसे चलेगा काम से, बराबर है, ठीक है, सही, फिर वो ही है कि आपको अलग अलग स्केल से भी बजाना आता हो, बराबर, ये पूरा एक रोड मैप होता है सीखने का, बराबर, हाँ, क्योंकि ये ज्यादा आपने जैसे बोला ना, ये इसकी क्लैरिटी हो ना कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक जाना है, तो थोड़ा पहली चीज तो आप वही है ना कि अगर आप बिलावल बजाते हैं ना उसको आप थोड़ा डीप लेके जाओ, जैसे उसमें भजन बजाओ, 4-5 भजन खोजो उसके अंदर, बराबर है, ठीक है, उनको अलग अलग स्किल से बजाइए उन्हीं भजन को, उनके अंदर कॉर्ड्स लगाना सीखिए, एक कंप्लीट हो गया, एक थाट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, साथ में दूसरे थाट भी प्रैक्टिस करते रहो, है ना, तो फिर दूसरा थाट में वही चीज करो, ऐसे चलेगा सिस्टमेटिकली, बराबर, अगर कोई भजन आप निकाल लिया ना उस भजन को ताल के साथ प्रैक्टिस करिए, बराबर, मुझे मुझे एक क्वेश्चन बजाते बजाते ये भी होता है कि जैसे कोई भी भजन का सुर निकाल लिया और नोट्स पता कर लिए कि ये है, लेकिन जब भी जहां ठहरते हैं अब उस टाइम पे कौन सा एग्जैक्टली कोड बजाना होता है ना, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये मैं आपको सर ये सारी चीजों में शॉर्टकट दूंगा, नो नीड टू वरी, ठीक है, बट मेन पहले हम थोड़ा थॉट के ऊपर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि थॉट पता होंगे सर तभी कॉर्ड्स भी आप काम कर पाओगे, बराबर राइट, ठीक है, क्योंकि लगभग कॉर्ड सेम ही होते हैं, बस हल्का फुल्का, जैसे कल्याण में देखो मातिवर है तो एक ही कॉर्ड का फर्क आएगा उसमें, मातिवर का जिसमें मातिवर आएगा वो कॉर्ड चेंज हो जाएगा, बाकी सारे जैसे साका कॉर्ड सेम ही रह जाएगा, है ना, गाका कॉर्ड सेम रह जाएगा, कुछ कॉर्ड सेम रह जाएंगे, तो ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में आपको कॉर्ड सिखाऊंगा, ठीक है, तो इसके ऊपर कर लेंगे, तो आपको थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, चलेगा, ठीक है, मेन बस यही होता है सर, कॉर्ड्स बजाने आ जाए आपको, सारे स्केल पता हो, थॉट पता हो, तो ऑटोमेटिकली आपको आगे वाला रास्ता मिल जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप अलग अलग लोगों के साथ बजाओ, देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक इंसान सीखा हुआ मिलेगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल उनको एबीसीडी कुछ नहीं आता, उनके साथ आपको बजाओ तो आपका ऑटोमेटिकली वही आपका अचीवमेंट है, क्योंकि सीखे हुए इंसान के साथ बजाना ईजी होता है, वो आपको बता देगा कि ये वाला राग है, ये वाला स्केल है, ईजी हो जाता है, दिक्कत तब आती है जब अपन फंस जाते हैं कि ये बंदा कहाँ से गा रहा है, फिर कुछ लोग ऐसे गाते गाते स्केल भी चेंज करते हैं, हटक जाते हैं अपने स्केल से, वो आपका अचीवमेंट है, बराबर है, उसी से आपका स्केल डेवलप होगा, सही, ठीक है, तो ये चीज करो, मैं आपको थाट भेजता हूँ और कुछ अलंकार भी भेजता हूँ, इसके ऊपर काम करिए, तो ये आप भजन करिए अच्युतम केशव, ठीक है, सिंपल भजन, अपन इसी भजन के कॉर्ड्स निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्ड्स के साथ अपन कैसे इसको यूज करेंगे, कहाँ पे कॉर्ड लगेगा, किस जगह पे लगेगा, वो क्या रीजन है उसका, क्या है, सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा, मैंने परफेक्ट, ठीक है, ये चीज करते हैं अपन, ठीक है, और धीरे धीरे फिर इसके अंदर म्यूजिक पार्ट कैसे बने, चलो अपन ओरिजिनल म्यूजिक नहीं बजाना, अपना म्यूजिक बनाना, तो क्या तरीका रहेगा उसमें, कैसे अपन उसको फॉलो कर सकते हैं ताल के साथ, बराबर, ये चीजें अपन करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, सही, कोई सवाल और मन में नहीं, बस आप अच्छे अच्छे से गाइडेंस देते रहिए, मैं अपनी तरफ से मेहनत करने की, सर देखिए इसमें तो क्या गाइडेंस तो मैं आपको दे दूंगा, वो कोई मुझे, लेकिन वही ना कि आपको प्रैक्टिस से ये चीज मिलेगी, मतलब कि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, अनलेस एंड अंटिल जब प्रैक्टिस नहीं होगा, नहीं नहीं वो तो है ही, प्रैक्टिस का ऐसा है ना कि प्रैक्टिस करने के अंदर से वो भी है और टाइम भी स्पेयर करूंगा, लेकिन वही कि सही डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, फिर हाँ। इधर उधर भी कर रहे हैं ना, तो फिर थोड़े टाइम के बाद फिर वो लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ,
इसकी मतलब ये स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट कि स्ट्रक्चर सर बस वही है, थॉट एंड स्केल, मेन चीज है स्केल बस। स्केल आ गया कुछ भी बजाना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास 12 जगह से बजाने की नॉलेज आ गई, कोई भी गाय कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ बराबर है ना, मेन चीज बस वही है। फिर उसके बाद आपको थॉट आ गए, थॉट आ गए तो आपको मतलब कि स्वरों का पता चल गया कि कोमल अगर मैं भैरवी बजा तो उसमें कौन से स्वर लगेंगे। अक्सर राग भी तो थॉटों के अंदर ही आएंगे, बराबर है, ये चीज हो जाएगी। सही, ठीक है, तो ये करिए प्रैक्टिस। में आपको अलंकार भी भेज देता हूँ और नोट्स भी भेज देता हूँ, ठीक है, चलेगा। बाकी जो भी सवाल होगा फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पक्का पक्का, चलिए, ओके सर, थैंक यू।